हेलो गाइज, हैप्पी न्यू ईयर। आप सबको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। ये साल बहुत अच्छे से हंसी खुशी बीते, यही उम्मीद करती हूँ हर एक के जीवन में हंसी खुशी आए। तो आज मैं जा रही हूँ अभी शाम के टाइम ऊपर पे, हमारे यहाँ ऊपर क्षेत्रपाल देवता है, तो वहाँ पे पूजा कीर्तन हो रहे हैं महिला मंगल द्वारा। तो इसके लिए अभी जा रहे हैं, ये मेरी भाभियाँ जा रही है और मैं। तो मैंने कहा चलो न्यू ईयर की शुरुआत जब कीर्तन से हो रही है तो क्यों ना हम मिल जाए, तो इसलिए सीधे चलते हैं ऊपर मंदिर। यहाँ ऊपर मंदिर में जहाँ पे महिलाएं कीर्तन कर रही है, यहाँ पे ये देखिए चुका है। हेलो मैडम जी, लोग कीर्तन समाप्त हो चुका है। यह है शोभा, तो आपने इसको कीर्तन देख सुना होगा कितना अच्छा गाती है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर, इस वाली ब्लॉग में बहुत लाइक आनी चाहिए। तो अब यहाँ पे खाने की रात के खाने की तैयारी शुरू कर रहे हैं हम। पोते पड़ा गया मम्मी बोया जा बोले सारा ते उन्हें ये भी प्यार फिर लग हो चुकी है रात। तो आज हम रात के खाने में बना रहे हैं गुलथिया, ले रख दिया हमने पानी और ये गुड़ गलाने के लिए। देखिए गुलथा कैसे बनता है, इसके लिए हम आपको दिखाते हैं। गुलथे को पहले इसमें पानी रख दिया, इसको जब तक ये गुड़ घुलेगा तब तक थोड़ा सा पानी उबलने देते हैं, फिर इसमें हम आटा लानेंगे, फिर दिखाते हैं आपको कैसे बनता है और कितना स्वाद होता है। सर्दियों में तो बहुत ही अच्छा होता है ये, पहाड़ों में विशेषकर जैसे भी ठंडा होता है तो गुलथे बनाते हैं। जैसे कोई भी किसी को भी ठंड महसूस हो, कुछ भी हो, तो गुलथिया स्पेशली गुलथिया बनता है और उसमें खूब सारा घी खाया जाता है, तभी उसको लगता है कि हाँ भाई हमने गुलथिया खाया है। ये गुलथिया आटे से बनता है, बहुत ही खाने में बहुत अच्छा होता है, स्वादिष्ट होता है बहुत ही। हम आपको बताते हैं कैसे बनता है ये, तो इसके लिए हमारे साथ बने रहिए। और ये विशेष ये होता है, ये बहुत जल्दी बन जाता है, बहुत ही इजीली है, बहुत ही आसान तरीके से बनता है, लेकिन खाने में उतना ही अच्छा, इतना ही स्वादिष्ट और इतना टेस्टी होता है। जितना इजी है उतना ही अच्छा, स्वास्थ्यवर्धक।
दोनों खरगोश हैं, दोनों को खरगोश। हाँ रीमा डाल रही, उसको मैं भी खरगोश रही। और पेट के लिए फायदेमंद आटे का हलवा खाने से डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतरीन तरीके से काम करता है और इससे पेट की परेशानी नहीं होती है। यह हड्डियों के लिए लाभकारी होता है। सर्दियों के मौसम में इसे आटे का हलवा जरूर बना के खाएं। इसमें कार्बोहाइड्रेट के लिए अच्छा होता है। यह शरीर के विकास में भी मदद करता है, रक्त को शुद्ध करता है। विटामिन सी ये हलवा बनके तैयार हो रखा है, जो बनाया मेरी भाभी ने। इन्होंने बहुत ही स्वादिष्ट बहुत ही मजेदार हलवा बना के हमें खिला रहे हैं। ये बिना गोली वाला? हाँ बिना गोली, बिल्कुल। देखो मक्खन जैसा हो रखा है एकदम। ये देखो गलत करके गले में जलने वाला। हलवे के लिए थोड़ा सा घी जरूरी होता है, लेकिन इसके घी के साथ इसको जरूर खाए, नहीं तो ये गले में चिपक जाता है। गले में? मुंह में नहीं चिपकता, मुंह में चिपक जाता है। तो इसलिए घी के साथ इसका आनंद ले सकते हैं आप। तो हम खाना खाते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।